Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian Edufun classes. Edufun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello my dear students, welcome to our channel Sims Official and I, your English teacher, welcomes you to today's class. Bacho, in the series we are studying chapter 2 of our snapshots book, that is the address. In this chapter, through previous videos, we have studied a bit about the address on which the narrator goes just to get the belongingness of her mother that Mrs. Dorlin has taken. तो उनका जो ये एड्रेस था नंबर 46 जहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग रहती थी, वही मेन चीज़ थी, वही एक मेन एड्रेस था जिसके ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है और इसीलिए इसका नाम दी एड्रेस रखा गया है. ओके, सो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो नरेटर थी वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ गई थी. मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था. फिर अचानक से ग्रीन निटेड कार्डिगन मिसेस डॉर्लिंग उनकी मदर का, नरेटर की मदर का पहने हुए थी और उसको देख करके जो नरेटर है वो पहचान लेती हैं कि यही मिसेस डॉर्लिंग है. फिर बाद में मिसेस डॉर्लिंग भी उनको पहचान लेती हैं लेकिन उनसे बात करने के लिए मना कर देती हैं, कहती हैं मैं अभी बिज़ी हूँ और अभी मुझे तुमसे कोई बात करनी, फिर कभी आना. और ऐसा कह करके वो वहाँ से वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं और नरेटर वहाँ से बाहर आ जाती हैं और उधर से जिधर वो स्टेशन से ट्रेन से आई होती हैं मिसेस डॉर्लिंग के, उसी ट्रेन से अब घर वापस जा रही होती हैं. और जब वो घर वापस जा रही होती हैं ट्रेन में बैठे बैठे वो ये सोच रही होती हैं कि क्या हुआ था ऐसा, कि मतलब पुरानी सारी यादें, उनकी मदर ने उनको ये एड्रेस बताया था, कैसे करके मिसेस डॉर्लिंग उनका सारा सामान ले गई थी उनके घर से कि ये कहकर कि मेरे पास ये सारी चीज़ें सेफ़ रहेंगी और कभी आपको घर खाली करना होगा या यहाँ से हॉलैंड से जाना पड़ेगा तो आपकी सारी चीज़ें मेरे पास सेफ़ रहेंगी, ये कह करके किस तरीके से वो ये सारी चीज़ें, उनके घर की सारी चीज़ें ले गई थी. तो इतना हमने अभी तक स्टोरी में पढ़ा था, उसके बाद अब हम आगे का पढ़ रहे हैं. यू ऑल कैन ओपन पेज नंबर 11 ऑफ योर स्नैपशॉट बुक एंड नाउ आई एम रीडिंग द पैराग्राफ. एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. इन वन गो मीन्स एक ही बार में. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर. एंटीक तो आप जानते हुए कुछ चीज़ें जो बहुत पुरानी हो जाती हैं और एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं और उन जैसी चीज़ें मिलनी भी बंद हो जाती हैं. जैसे अगर अभी की बात की जाए तो जो पुराने सिक्के होते हैं, 10 के सिक्के आते थे, 10 पैसे के सिक्के आते थे या आने आते थे एक टाइम में, 16 आने, 4 आने, सुना होगा आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के मुँह से. तो ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं. अगर किसी के पास वो चीज़ होती भी है तो उसको हम कहते हैं एंटीक चीज़ें. ठीक है, तो वो एंटीक चीज़ें होती हैं जो बहुत पुरानी हो जाती हैं और एक समय बाद वो मिलनी भी बंद हो जाती हैं. शी हैड ट्रबल लगिंग. लगिंग मतलब लगेज, यानी कि सामान कैरी करना. दोस लार्ज वाजेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक. झटका, कमर में झटका आ जाता है ना, कंधे में, कमर में, पीठ में झटका आ जाता है, दैट इज क्रिक. इन हर बैक. बैक किसके लिए? पीठ के लिए कहा गया है. फ्रॉम द क्रॉकरी माई मदर शुक हर हेड पिटीइंगली, बहुत दया के साथ. आई वुड नेवर हैड डेयर्ड आस्क हर. शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ. शी इवन इंसिस्टेड. इंसिस्टेड जोर डालकर कहना. She wanted to save all my nice things. If we have to live there, we shall lose everything, she says. Have you agreed with her that she would keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. I think about the risk she's running, and each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. ठीक है, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों.
तो नरेटर वो कहती हैं कि जितनी बार भी मिसेस डॉर्लिंग मेरे घर पर आती थी, जैसे कि उन्होंने देखा था कि उनके घर से सामान गायब है, तो उनकी मदर ने इनको बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग आती हैं और वो मेरा हमारा सामान ले जाती हैं अपने घर पर सेफ रखने के लिए। तो आगे बताती हैं कि जितनी बार भी मिसेस डॉर्लिंग हमारे यहाँ आती हैं, वो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती हैं हमारे यहाँ से जो भी सामान है। कभी कुछ ले जाती हैं, कभी कुछ ले जाती हैं, तो कुछ ना कुछ हमेशा अपने साथ ले जाती हैं। और एक बार टेबल पर रखे हुए सिल्वर स्पून, टेबल सिल्वर क्या है यहाँ पे, सिल्वर कलर की जो कटलरीज होती हैं, स्पून हो गए, नाइफ्स हो गए, सिल्वर की चांदी की जो चीज़ें हो गई। तो वो कहती हैं कि एक बार तो वो जो जितने भी सिल्वर की चीज़ें थी जो टेबल पर रखी हुई थी, वो एक ही बार में ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वहाँ पर जो टंगी हुई थी ना एंटीक प्लेट्स, वो भी वो ले गई। ये कौन बता रहा है, ये उनकी मदर, नरेटर की मदर नरेटर को बता रही हैं। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज वाजेज, वाजेज क्या होते हैं, फूलों के गुलदस्ते। तो कहती हैं कि वो एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। वो कहती हैं कि एक बार तो वो जब बड़े बड़े ये सारे बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर जा रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इतना भारी सामान अपनी पीठ पर उठाने में। भारी सामान जो लगिंग मीन्स भारी सामान को अपनी पीठ पर उठाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, और मुझे तो डर लग रहा था, मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं इस वजह से उनके पीठ में कोई झटका वगैरह ना आ जाए। तभी उनकी मदर जो है वो कहती हैं कि मैं तो जो नरेटर है वो ये कह रही हैं कि माई मदर शुकर हेड पिटिंगली, जैसे बताते बताते हम कैरेक्टर में आ जाते हैं ना फील में, ओफो उनको तो कितनी तकलीफ हुई होगी, ऐसा करके जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल एकदम उस चीज़ को फील करने लगते हैं, और तभी हम किसी की बात बताते हैं तो अपने आप के अंदर एक्शंस करने लगते हैं, रिएक्शंस देने लगते हैं। तो वैसे ही नरेटर कह रही हैं कि वो बताते बताते उनकी मदर जो थी वो बेचारी दया के साथ में सिर हिला रही थी कि बेचारी कैसे करके वो सामान ले जा रही थी। मैं तो, नरेटर की मदर कह रही है कि मैं तो कभी उनसे ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाती कि आप मेरा सामान ले जाके अपने घर पे संभाल के लिख लो, लेकिन ऐसा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना सामान मुझे दे दो, मैं अपने घर पे रख लूँगी। और सजेस्ट ही नहीं किया, मुझे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे जोर डाल के कहा कि नहीं ये सारा सामान मुझे दे दो, मैं ले जाऊँगी घर पर अपने। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मुझे ये सामान दे दो, मैं अपने घर पर सेफली जाकर रख लूँगी। तो वो चाहती थी, मिसेस डॉर्लिंग चाहती थी, उनकी मदर बता रही है नरेटर की कि उनकी मिसेस डॉर्लिंग चाहती थी कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी वो हमारी सेव कर लें, उन्हें बचा लें, और मान लो कभी हमें वहाँ से जाना पड़ा तो हमें सारी चीज़ें खो देनी पड़ेंगी, इसीलिए मिसेस डॉर्लिंग सब कुछ ले गई और उन्होंने हमारा सामान बहुत संभाल कर रखा है। तो नरेटर क्या कहते हैं, अगर आपसे ऐसा कोई कुछ कहेगा तो आप अपनी मम्मा से पूछोगे ना कि मम्मा पक्का वो सच में संभाल के रखेंगी ना, या फिर कहीं ऐसा ना हो वो बेच दें या फिर बाद में हमें देने से मना ही कर दें, ऐसा करके हमारे माइंड में आएगी, हम अपने मम्मा से पूछेंगे। ऐसे ही जो नरेटर हैं वो भी अपनी मम्मा से पूछती हैं कि आप क्या इस बात से एग्री हो गई कि वो हर चीज़ को संभाल कर रखेंगी, रखेंगी ना पक्का, पता लगे कहीं बेच दें या अपने पास अपने इस्तेमाल में ले लें, तो आपको पक्का पता है आप इस बात पर एग्री हो। तो उनकी मदर कहती हैं कि हाँ ज़रूर। अब मम्मी को क्या हुआ, मम्मी को गुस्सा आ गया, हाँ ज़रूर, ये तो ज़रूर पूछने वाली बात थी ना, मैं एक तो वो हमारा इतना काम कर रही हैं, हमारा सारा सामान लेकर जा रही हैं और उसको बिल्कुल सही से सेफली रखने के लिए कह रही हैं, और मैं उनको ये पूछ करके उनकी इंसल्ट करूँ, उनसे ये पूछूँ कि आप हमारा सामान सही से रखेंगी भी या नहीं, एक तो वो हम पे इतना एहसान कर रही हैं, ऊपर से हम उनसे ये भी पूछें। तो ऐसा कह के उनकी मदर जो थी वो गुस्सा करने लगी। And think about the risk she's running each time she go out of her door with a full suitcase or bag. और इसके अलावा ये भी तो सोचो, बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, कितना बोझ उनको ढोना पड़ता है, कितना सामान उनको ले जाना पड़ता है, कितना रिस्क होगा, कहीं पता लगे पीठ वीठ में झटका आ गया तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, कितना रिस्क वो हर बार झेलती हैं। जितनी बार आती हैं वो एक ना एक सूटकेस या बैग बेचारी लेकर जाती हैं भर के, और इतना भारी सामान वो लेकर जाती हैं, तो खुद सोचो कि उनको कितना रिस्क फील करना पड़ता होगा, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, कितना ज़्यादा उनको रिस्क रहता है कि वो आगे जाके कहीं उनके पीठ में कोई झटका ना आ जाए, कहीं कुछ बैक बेंट ना हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ऐसा तो सोचने से कहीं। और तुम बल्कि उनसे ये पूछ रहे हो कि वो हमारा सामान रखेंगी या नहीं, ऐसा कह के मैं उनकी इंसल्ट थोड़ी ना करूँगी, ऐसा मम्मी कहती है नरेटर की, और गुस्सा करने लगती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब
जब ऐसा होता है जब मम्मा डांट देती हैं तो हमारी बात ना हमें हजम नहीं होती है, हमें लगता नहीं है कि यार ससुर वो हमारा सामान रखेंगी भी या नहीं, हमारे मन में बातें रहती ही हैं। तो ऐसे ही नरेटर के साथ हुआ, नरेटर के मन में भी ये बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, ये बात उनको हजम नहीं हुई कि हाँ वो सच में हमारा सामान संभाल के रखेंगी, इसलिए वो एक अजीब सा फेस बना लेती है जिसमें उनके फेस से पता चलता है कि हाँ वो अभी कन्विंस नहीं हुई है। माय मदर सीम टू नोटिस दैट आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मतलब वो उनकी मदर को समझ जाती हैं कि हाँ अभी भी इसके मन में ये बात इसने एक्सेप्ट नहीं करी कि उन्होंने हमारा सामान संभाल के रखेंगी। इसलिए जो नरेटर की मदर हैं वो उन्हें रिप्रूविंगली देखती हैं। रिप्रूविंगली मतलब कि एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट से या फिर मतलब एक अलग से फेस से देखती हैं, लुक देती हैं उनको कि वो उस चीज़ से खुश नहीं है, नरेटर से वो खुश नहीं है कि वो ऐसा सोच रही हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि उसके बाद हम लोगों ने इस बारे में कभी भी दोबारा बात नहीं की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।